ସମାଜରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ୟୁନିସେଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍କସପ୍ ଅନ୍ ଜେଣ୍ଡର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଭଳି ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା यूनिसेफ आप जानते हैं विश्व भर में बच्चों के लिए काम करता है और इसी इसी काम में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि नारी हो या पुरुष हो वो एक बराबर के एक लेवल पे दोनों आए जिसको हम जेंडर इक्वालिटी कहते हैं आ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेंडर इनकवालिटी के कई कारणों के वजह से काफ़ी उन्हें परेशानी होती है तो आज का हमारा वर्कशॉप था कि कैसे मीडिया के साथ हम मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि मीडिया का जो रिपोर्टिंग और राइटिंग है वो जेंडर सेंसिटिव बने जैसे कि अगर हम बराबर से महिलाओं का भी पक्ष लें मीडिया में महिलाओं की जो आवाज़ है महिलाओं का जो पक जो एक व्यू है एक पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं वो भी हम मीडिया में बराबर से लें तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हमारा ये वर्कशॉप था और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि बहुत आ, सफल रहा आज का हमारा वर्कशॉप करीब आ, 100 मीडिया पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया हमारे इस वर्कशॉप में ग्रुप वर्क भी था तो बहुत तरह की प्रतिक्रिया भी हमने सब लोगों से सुनी सबका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लोगों ने कहा और सबसे बड़ी बात सबसे अहम बात यह है कि महिला और पुरुष जर्नलिस्ट दोनों ने मिल बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया जो कि मेरे लिए लगता है कि इस सफ़र में इस जर्नी में एक बहुत अच्छी और बहुत एक मज़बूत शुरुआत है